नमस्कार, इस शुक्रवार 20 सितंबर को सोनम कपूर की द जोया फैक्टर, संजय दत्त की फिल्म प्रस्थानम और सनी देओल के बेटे करण की फिल्म पल पल दिल के पास सिनेमाघरों में टकराने जा रही है। इन तीनों फिल्मों की टक्कर देखनी दिलचस्प होगी। बॉलीवुड फिल्मों के बीच हर साल क्लेश होते हैं। बॉलीवुड के एक्टर प्रोड्यूसर अपने लिए बढ़िया से बढ़िया डेट फिक्स करना चाहते हैं ताकि उनको दर्शकों का प्यार और बिजनेस दोनों मिले। ऐसे में बहुत सारे क्लेश की नौबत आने को टाला जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है और हम सबको दो या दो से ज्यादा फिल्म बॉक्स ऑफिस में एक दूसरे से टकराती नजर आती है। ऐसा ही इस हफ्ते भी होने जा रहा है। इस शुक्रवार 20 सितंबर को सोनम कपूर की द जोया फैक्टर, संजय दत्त की फिल्म प्रस्थानम और सनी देओल के बेटे करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास सिनेमाघरों में टकराने जा रही है। इन तीनों पिक्चरों की टक्कर देखना दिलचस्प होगा। सबसे पहली बात स्टार पावर की, जहां संजय दत्त बॉलीवुड के बाबा हैं, वहीं सोनम कपूर ने भी बड़ी फिल्में करके नाम कमाया है। करण देओल की बात करें तो वे देओल परिवार के हैं, जो बॉलीवुड के फेमस परिवार में से एक हैं। उनके दादा धर्मेंद्र, पिता सनी और बॉबी चाचा दशकों से बॉलीवुड का हिस्सा है। इसके साथ ही ये सनी देओल की बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म है। ऐसे में करण देओल की एक्टिंग के साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सनी देओल का डायरेक्शन क्या कमाल करता है। जहां करण देओल के कैरियर की ये पहली फिल्म है, वहीं सोनम कपूर और संजय दत्त की साल 2019 की दूसरी फिल्म है। संजय दत्त ने इससे पहले करण जौहर की फिल्म कलंक में काम किया था और सोनम कपूर ने शैली चोपड़ा थार की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जहां कलंक बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, वहीं एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी। इन दोनों पर भी हिट पिक्चर देने की जिम्मेदारी है और फैंस को दोनों की फिल्मों से बहुत उम्मीद है। सोनम, संजय और करण तीनों की फिल्में अलग अलग जॉनर की हैं, जहां सोनम कपूर की फिल्म लक के चरम बनी लड़की और अंधविश्वास के बारे में बताएगी, वहीं संजय दत्त की फिल्म पूरी तरह से पॉलिटिकल ड्रामा है। इसके अलावा करण देओल की फिल्म एक लव स्टोरी है। फैंस के पास तीनों ही फिल्में देखने के लिए तमाम कारण है, क्योंकि ये तीनों ही जॉनर ऑडियंस की पसंद है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्यार जनता किसको देगी, ये देखने वाली बात है। हम सभी ने बॉलीवुड में बहुत से क्लेश देखे हैं। ऐसे में एक फिल्म जीतती है और दूसरी हारती है। ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों फिल्मों के क्लेश में दोनों ही फिल्में हिट हो जाए या फ्लॉप हो जाए, लेकिन अब जब टक्कर संजू बाबा, सोनम और करण देओल के बीच है तो किसकी जीत और किसकी हार होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इन सभी फिल्मों की चर्चा जोरों शोरों पर है। अब शुक्रवार को इस टक्कर का क्या अंजाम होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।